नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त का जो एक शुभ संदेश आ रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर बड़हरा गंज से आ रहा है, जहां धूमधाम से मनाया गया था ईद उल अजहा का त्यौहार। कुशीनगर के विशुनपुरा ब्लॉक के बड़हरा गंज से लोगों ने में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्यौहार। इसी ग्राम सभा के प्रसिद्ध डॉक्टर महमूद आलम ने इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद दी। आइए डालते हैं उजैर अंसारी की एक रिपोर्ट पर नज़र, उत्तर प्रदेश कुशीनगर की। आदाब, उजैर अंसारी, हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी, संवाददाता कुशीनगर। मैं आपको एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो ग्राम सभा बरारागंज से बिलोंग करते हैं और यह एक समाजसेवी और वार्ड संख्या जो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, यानी यहाँ के लोगों का नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो मैं इस त्यौहार यानी कि जो बकरीद का त्यौहार है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार मान लें, इसमें इस सिलसिले में मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा जिसका जवाब हमारे डॉक्टर महमूद साहब देंगे। तो सबसे पहले आप डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप इस त्यौहार पे लोगों क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पहले तो मैं हंगामा टाइम जो टीवी चैनल है उसके जो है संपादक जो साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और इन्होंने जो हमसे पूछताछ की है इस क्षेत्र के बारे में। तो इस क्षेत्र में जो है जो भी त्यौहार मनाया जाता है हिंदू मुस्लिम एक होकर मनाते हैं। अच्छा। और जो कुर्बानी का जो मसला यहाँ है, जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ के लोगों ने अपना जो है त्यौहार मनाया और कुर्बानी किया, जो डिस्टेंसिंग होना चाहिए नमाज में या और कुर्बानी में जो चीज़ प्रतिबंधित पशुएँ हैं उसको छोड़कर और जो है कुर्बानी किया गया है। और मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने गाइडलाइन के हिसाब से जो दिया है उस पर जो है मुसलमान जो है अमल किए। तो यूँ बताइए, जब कोविड के हिसाब से जो गाइडलाइन था तो उस पर उलमा का भी यही पक्ष था कि भाई जिस तरह का गाइडलाइन है, गाइडलाइन से पहले ही उलमा ये कह चुके थे कि आप कोविड का पालन करें और नमाज भी 85 लोग पढ़ें जैसा कि गाइडलाइन में भी आया है। आप इस बकरीद में इस बकरीद को कैसे सेलिब्रेट किए हैं? आप कोविड का वक्त है तो कहीं जाकर दोस्तों से मिलकर, रिश्तेदारी में जाकर या फिर घर पे रह के इस त्यौहार को आप मना रहे हैं? नहीं, अक्सर जो है उलमाओं ने जो निर्देश दिया था उस निर्देश को हर मुसलमान ने पालन किया है और कुछ वीडियो के माध्यम से और जो है मोबाइल के माध्यम से जो भी दोस्त यार या रिश्तेदार हैं उनका जो है शुक्रिया अदा किया और जो भी गाइडलाइन रहा प्रधानमंत्री जी का या हमारे उलमाओं ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार हम लोगों ने जो है निभाया और शांतिपूर्वक हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर त्यौहार मनाया। ये थे डॉक्टर महमूद, जो कि बड़हरागंज में ये एक अच्छे पैमाने के डॉक्टर हैं और कोविड काल में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा जिस वक्त प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में लोग डेथ बॉडी लेके जाते थे, वहाँ पे हंसता हुआ खेलता हुआ जो भी मरीज जाता था यहाँ से निकल के जाता था। तो तमाम यहाँ के ग्रामवासी इनके इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमने जहाँ जा गया इनका और इनकी जो भी कार्य है इनके कार्यों का मैंने काफ़ी बड़ाई सुना, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह कोरोना काल में लोगों का आप सेवा करते रहें और इस तरह के त्यौहार को घर पे रह के कोविड का ख्याल करते हुए घर पे रह के ही त्यौहार मनाएं।